नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू। आपका स्वागत है हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा में। हम यहां पे रीजनिंग की क्लास कर रहे हैं और रीजनिंग की क्लास में हमारा पहला चैप्टर है जो हमने स्टार्ट किया है, वेन डायग्राम। इससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है जिसमें हमने वेन डायग्राम से रिलेटेड सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। उसका लिंक मैं डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें आप डायरेक्टली उसको देख सकते हैं। ठीक है, आज हम वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसको हम लोगों ने अच्छे से समझेंगे और उसका आंसर करेंगे। देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से उसको किया जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देने से पहले उस क्वेश्चन के ऊपर पहले कुछ निर्देश दिए रहेंगे, जिससे जैसे इस तरह के निर्देश रहेगा, आपको निर्देश रहेगा जैसे निम्नलिखित तत्वों को या आइटम को दिए गए किसी न किसी वेन डायग्राम में फिट किया जा सकता है उनका चयन करें। इस तरह के कुछ निर्देश दिए रहेंगे, इससे मिलता जुलता ही निर्देश रहेगा। आप इस तरह के निर्देश देने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, फिर उसको आप उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जैसे दिया रहेगा कि हम ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में क्या ले सकते हैं, जैसे ले लें सोना। धातु और कुछ और ले लेते हैं, जैसे एक लोहा ले लेते हैं। सोना यानी कि गोल्ड, धातु मतलब मेटल और लोहा मतलब आयरन। इसको इंग्लिश वाले भी समझते चले साथ साथ में, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अब जैसे इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, अब ये हमको स्टेटमेंट के बाद इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा, इस तरह का तत्व दिए होंगे, एलिमेंट दिए होंगे या आइटम्स दिए होंगे, उनको ऑप्शंस, जैसे क्वेश्चन दिया होगा, अब दिया होगा ऑप्शंस, आपको कुछ डायग्राम्स दिए होंगे उसमें आपको फिट करना है। जैसे इस तरह कुछ डायग्राम होंगे, ऑप्शन कुछ भी लेते चलते हैं, कोई इशू नहीं है। जो हमने ऑलरेडी सारे डायग्राम्स बता दिए हैं उन्हीं में से कोई ना कोई ऑप्शंस आएगा, इससे आप बेफिक्र रहिए, उनसे अलावा अलग कोई भी नहीं आएगा। ठीक, ऑप्शंस वन, एक ऑप्शन ऐसे भी हो सकता है, कोई भी चीज ले लीजिए। ठीक, एक ऑप्शन ऐसे ले लीजिए कोई भी। तीन दिया हुआ है तो तीन का हम लोग ऑप्शन लेके चल रहे हैं, और एक आप लोग ले लीजिए और ऐसे तरह ले लीजिए। ठीक, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री एंड ऑप्शन फोर। देख क्वेश्चन समझ रहा होगा, इस तरह का दिया होगा और उसमें से आपको सेलेक्ट करना एक जो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए आंसर को कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया ऑप्शन में सोना, धातु और लोहा, यानी कि गोल्ड, मेटल एंड आयरन। अब इनको ऑप्शन देख के आपको सेलेक्ट करना, इसमें कौन सा परफेक्ट इसको जस्टिफाई कर रहा है तो उसको हम करेक्ट मान लेंगे। जैसे हम पहला ऑप्शन को एक बार चेकआउट करते हैं, करने का तरीका दो होता है, या तो आप डायरेक्टली जिसको आपको देखते ही आंसर, जो बच्चे पहले से जानते होंगे उनको तो डायरेक्टली देख के ही पता चलेगा कौन सा आंसर है, बट जिनको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि ऑप्शन ये हो सकता है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है कि ये हो सकता है, उसको ऑड वन आउट फाइंड करके, उसको कैंसिल आउट करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे हम इसको लेके चलते हैं, अब इस डायग्राम देखिए, एक सोना है, धातु है एंड लोहा है। तो धातु का मतलब लगता है देख के, जैसे एक धातु है तो पूरे मेटल्स मतलब पूरे चीज को एलिमेंट्स लेके चलेगा जो कि धातु होंगे, तो सोना भी एक तरह का धातु है यानी कि एलिमेंट है, और लोहा भी एक तरह का धातु है यानी वो भी एक मेटल है, ये भी एक मेटल है और ये भी मेटल है, ये मेटल के अंदर दोनों मेटल आते हैं। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन देखा जाए, इनमें पहला ऑप्शन इस तरह का दिया हुआ तो इनमें थोड़ा थोड़ा चीज़ें कॉमन हो रही हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा।
अब दूसरे ऑप्शन चेक करते हैं। चलिए पहला देखें, ये बाहर के सर्किल, चलिए अगर इसको धातु मान लेते हैं, एक बार सोचा जा सकता है कि हाँ हो सकता है, क्योंकि बाकी इसके अंदर ही हैं और देखने से लग रहा है कि इसके अंदर ही होने चाहिए। अगर सेकंड वाले को हम लोग कुछ मान लें, इसको अगर धातु कर लें, सेकंड वाले को अगर सोना या लोहा कुछ भी ले लें, बट इसके अंदर देखा जाए एक और बच गया, लोहा लेंगे या सोना लेंगे, लेकिन धातु के अंदर दोनों तो आ गए, बट देखा जाए दूसरे के अंदर तीसरा आ रहा है, लाइक कर रहा है, तो कोई भी सोना लोहा नहीं हो सकता और कोई भी लोहा सोना नहीं हो सकता, यानी कि ये भी एक तरह से कैंसिल आउट हो गया, क्यों, इसके अंदर ही होना चाहिए था, बट ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब आते हैं तीसरे पे, तीसरा देखा जाए, ये भी देखने से लग रहा है इसके दोनों अंदर ही लाइक कर रहा है, इसको अगर धातु मान के चले तो पहले वाले को अगर हम धातु कर ले यानी कि मेटल, अगर दूसरे देखिए दोनों अलग है, पहला कंडीशन तो इतने सही कर रहा है कि ये धातु है इन दोनों के अंदर, यानी यहाँ से लग रहा सही है, अगर इनको अगर सोना कर लें यानी इसको गोल्ड कर लें, अगर इसको लोहा कर लें, तो ये देखने से कुछ कुछ लग रहा सही है। अब चेक करते हैं कि सही है कि नहीं सही है। धातु हो गया, उसके अंदर दोनों आएंगे क्योंकि दोनों धातु की कैटेगरी में आते हैं, तो दोनों उसको ले लिया अंदर, बट ना ही कोई सोना लोहा है ना ही कोई लोहा सोना होता है, रियल में भी होता है, इसमें भी देखने से लग रहा है, और यहाँ पे देखिए कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब तीसरा कैसे कैंसिल है उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, फिर डायरेक्टली चलते हैं फटाफट के लिए क्वेश्चन में। अब इसको अगर हम लोग ले लेते हैं धातु, ठीक, अगर इसको किसी को भी ले लेते हैं सोना, अगर सेकेंड वाले को ले लेते हैं लोहा, पहला वाला कंडीशन तो जस्टिफाई कर रहा है, बट इनको देखिए, ये इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ सोना लोहा है और कुछ लोहा सोना है, बट रियलिटी में ये पॉसिबल नहीं होता, इस वजह से ये भी कैंसिल कर रहे हैं। आई थिंक ये एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, चलिए अब दूसरे एग्जांपल से देखते हैं। जैसे इस तरह का दिया होता तो मैमल्स काऊ एंड क्रोज, यानी स्तनधारी गाय और कौआ। अब देखिए इसको देख के क्या लगता है, इसको कौन सा जस्टिफाई कर रहा है इन ऑप्शन में से, हम देखिए पूरे को नहीं समझाएंगे, डायरेक्ट ऑप्शन की तरह चलते हैं, किस तरह का डायग्राम बन सकता है। देखिए अगर हम एनिमल्स को देखिए, काऊ जो होती है स्तनधारी होती है, यानी कि ये इसके अंदर डायरेक्ट लाई करेगा, क्रो क्या होता है ना ही ये काऊ की प्रजाति में आती है ना ही ये स्तनधारी होता है, ये दोनों नहीं होता, तो इसका डायग्राम कैसे बन सकता है, कुछ गेस करिए। जैसे एक अगर हम मैमल्स ले लेते हैं और उसके अंदर काऊ तो आएगा क्योंकि काऊ ऑलरेडी मैमल्स होती है, तो इसके अंदर काऊ आ जाएगा। अब क्रो क्या है, ना ही ये काऊ की प्रजाति में आती है ना ही मैमल्स है, तो ये अलग पड़ा रहेगा। तो इस तरह का ऑप्शन कहाँ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये सही है। ठीक है, अब देखिए इस वेन डायग्राम से रिलेटेड, ये इस तरह से पहले क्या होगा, तत्व दे देगा फिर ऑप्शन देगा, एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, उसमें क्या होगा, जिन इन ऑप्शनों में से एक कोई ऑप्शन के रूप में क्वेश्चन बना के दे देगा, अब पूछेगा कि इनमें कौन से तत्व फिट होते हैं। जैसे एग्जांपल रूप में हम लोग एक देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, जैसे उसके लिए कुछ निर्देश ऐसे दिए गए होंगे, जैसे दिए गए वेन डायग्राम के लिए उचित विकल्प का चयन करें, जैसे पहले डायग्राम ही दे दी गई होगी, उसके लिए उसमें तत्व को फिट करना होता है, जो भी ऑप्शंस रहते हैं कौन सा उसके लिए उचित रहेगा। जैसे क्वेश्चन में ये रहेगा, इस तरह का डायग्राम है, तीनों इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, तीनों इंडिपेंडेंट तत्व हैं, और उसमें देखा जाए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होता है, आइए देखते हैं। अब देखिए दिन है, सप्ताह है, महीना है, यानी डे वीक एंड मंथ। अब इसको देखिए महीने के अंदर ही सप्ताह लाई करता है और सप्ताह के अंदर दिन लाई करता है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सब्जी वेजिटेबल आलू एंड टमाटर। अब देखिए सब्जी के अंदर ही हमारा आलू और टमाटर दोनों आता है, तो ये अलग अलग है, ये भी कैंसिल आउट हो जाता है। तीसरा देखते हैं, ग्रह पृथ्वी और सूरज। देखिए ग्रह है और स्टार है, सूरज क्या हमारा एक तरह का स्टार है, और ग्रह के अंदर तो पृथ्वी आ सकता है क्योंकि पृथ्वी हमारी ग्रह है, तो ये इसके अंदर तो आ सकता है, बट सूरज अलग रहेगा, लेकिन ये इन दोनों के अंदर आ रहा है, इसकी वजह से यहाँ सब अलग अलग बॉडीज है, इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब लास्ट वाला देखते हैं, पेड़ पहाड़ और पानी। देखिए कोई पेड़ से कोई पहाड़ नहीं है, मतलब कोई पेड़ पहाड़ नहीं होता, कोई पहाड़ पानी नहीं होता, कोई पानी पहाड़ नहीं होता, कोई पानी पेड़ नहीं होता, तो इसका मतलब इस तरह का कोई ग्राफ बनेगा, तो यानी कि ये आंसर सही है। समझ गए, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे
इस तरह का हो चाहे किसी तरह का डायग्राम हो, आई थिंक इससे समझ गए होंगे उस तरह का क्वेश्चन अपने आप ऑलरेडी लगा सकते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा टाइप बचा हुआ है जिसको हम लोग डिटेल में थोड़ा समझेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। पहले टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हमने समझा दिया पूरी तरह से, उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी कुछ करा दिए हैं। अब आप घर पर करिए अपने होमवर्क, देखिए कोई भी क्वेश्चन फंसेगा उसको हमारे कमेंट में करिएगा, ठीक है। हम उसको अगर नहीं समझ में आता उसको हम लोग फिर से सॉल्व करके आपको समझा दिया जाएगा। अब चलिए देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए टाइप टू किस तरह का होता है। देखिए टाइप टू में एक्चुअली न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, उसमें सिर्फ सर्किल नहीं होता, उसमें ज्योमेट्रिकली कई डायग्राम्स होते हैं और वो किसी न किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अगर उन डायग्रामों का मिक्सअप दिया रहेगा और उसमें से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक। ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फुटबॉल टीम को, फुटबॉल खेलने वाले प्लेयर्स को, फुटबॉल प्लेयर, ठीक। और एक और है, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और कुछ ना कुछ आपस में लिंक बना के ही क्वेश्चन देंगे, अलग अलग नहीं देंगे, ऐसे ही क्वेश्चन मिक्सअप करके देंगे। जैसे ट्रायंगलर को काटता हुआ कोऑर्डिनेट करते हुए ये रेक्टेंगल बना हुआ, एक और ले लेते हैं, तीसरा जैसे ले लेते हैं हम एक सर्किल ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ये हो गया फुटबॉल प्लेयर्स की टीम का ग्रुप, ये फुटबॉल प्लेयर हो गया, ये इसको सर्किल को हम ले लेते हैं हॉकी प्लेयर, और इसको ले लेते हैं हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे क्रिकेट के प्लेयर्स, क्रिकेटर ले लेते हैं। अब देखिए इसमें कुछ नंबर्स दिए रहेंगे, प्लेयर्स की संख्या दी रहेगी या नंबर्स दी रहेंगे, डिजिट्स कुछ मेनली डिजिट दी रहेंगे। जैसे इसमें हम डिजिट के रूप में ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं 5, यहाँ ले लेते हैं 6, यहाँ ले लेते हैं 2, यहाँ ले लेते हैं 4 और यहाँ ले लेते हैं 3। अब देखिए इन डायग्राम्स में कुछ डिजिट दिए हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो सर्किल है, ध्यान से देखिएगा, ये जो सर्किल है, ठीक, सॉरी सर्किल है जो कि जो ट्रायंगल है जिसके अंदर कुछ डिजिट दिए हुए, जैसे 5, 4 एंड 2, और इधर देखिए 3 और 6 इस ट्रायंगल के अंदर नहीं है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए सर्किल को चलते हैं, सर्किल के अंदर भी कुछ डिजिट दे रखे हैं, वो कौन कौन से? 4, 2 एंड 3। यहाँ 5 इसके अंदर नहीं आ रहा और 6 के अंदर नहीं आ रहा, आई थिंक समझ रहे हैं आप लोग हम लोग मेरी बातें। अब देखिए एक रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल के अंदर कुछ डिजिट दिए होंगे, उसको समझते हैं। जैसे देखिए ये यहाँ से बना हुआ, इसके अंदर डिजिट कौन से है? 2, 3 एंड 6। ये तो अलग अलग आपको समझ में आ गए डिजिट। अब देखिए कुछ कॉमन डिजिट भी हैं जो 2, 2, 3, 3 के बीच में आ रहा है। जैसे देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अब ये 4 को देखा है, 4 को ध्यान दीजिए। अब देखिए ये 4 को देखा जाए तो ये ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्लियर। अब देखिए किसके और किसके अंदर आ रहा है, ये सर्किल के अंदर भी आ रहा है, यानी कि ये 4, क्लियर है मेरी बात। अब देखिए इधर आइए, अब रेक्टेंगल को देखिए और एक सर्किल को कॉमन देखिए, इनमें कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है? क्लियर सी बात है, यहाँ 3 आ रहा है, क्योंकि 2 तो आ रहा है बट ये ट्राइंगल के अंदर भी आ जा रहा है, और 6 आ रहा है लेकिन ये सर्किल के अंदर नहीं आ रहा, तो 6 को भी हटा दिया, 4 को भी हटा दिया, 2 को भी हटा दिया, तो बचा कौन सा? 3, समझ में आ रहा है मेरी बात। और देखा जाए एक और डिजिट, ये जो 2 लिखा हुआ है, ये जो 2 लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखिए, सर्किल में आ रहा है, क्लियर दिख रहा हो, सर्किल के अंदर भी, सॉरी रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है पूरा क्लियरली, और ये सर्किल के अंदर भी 2 आ रहा है, ठीक, और ये ट्रायंगल के अंदर भी 2 आ रहा है। ये 2 ऐसा कॉमन है जो तीनों के अंदर आ रहा है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसी तरह इन डिजिटों का खेल रहेगा क्वेश्चंस में, आपसे सिर्फ इतना पूछेगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले प्लेयर्स कौन से हैं। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले प्लेयर कौन कौन से, किस डायग्राम में आता है, ट्रायंगल में आता है कि सर्किल में आता है कि इसमें आता है कि इन दोनों में आता है कि इन तीनों में आता है, इस तरह के ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आप देखिए क्लियरली देखिए, जो नंबर 5 है वो सिर्फ फुटबॉल खेलेगा, और जो नंबर 6 है वो सिर्फ क्रिकेट खेलेगा,
और जो नंबर एक और डिजिट ले लेते हैं, ठीक, एक डिजिट के रूप में हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे नहीं लिया था तो एक ऑप्शन और ले लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 7 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक तरह से 7 ले लेते हैं। तो 7 के मतलब ये इन तीनों से कॉमन नहीं है, सिर्फ तीनों में कॉमन नहीं है, ये सिर्फ सर्कल का पार्ट है, यानी कि सिर्फ हॉकी प्लेयर कौन खेलेंगे, 7 खेलेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ जाएगा, सिर्फ फुटबॉल के लिए कौन सा प्लेयर खेलेंगे, आप 2-4 को नहीं कर सकते हैं, क्यों कि 4 वाला प्लेयर फुटबॉल तो खेलता है, क्लियर बात है, कोई डाउट नहीं उसमें, लेकिन वो देखिए सर्कल के अंदर आया, सर्कल के अंदर कौन सा प्लेयर, हॉकी प्लेयर, यानी ये हॉकी भी खेलता है, ठीक। और देखिए 2 को क्यों नहीं लेंगे, ऑब्वियसली बात है फुटबॉल प्लेयर तो है बट ये हॉकी भी खेलता है और क्रिकेट भी खेलता है, इसलिए 2 नहीं आएगा। सिर्फ फुटबॉल खेलने वाला कौन सा प्लेयर है, 5, ये आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। इसी तरह हॉकी प्लेयर में भी क्वेश्चन बन सकते हैं क्रिकेट प्लेयर से, जैसे 6 क्या है, सिर्फ क्रिकेट खेलेगा, 3 क्या है, जो क्रिकेट और हॉकी खेलेगा, मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, 3, 2 क्यों नहीं आएगा, 6 क्यों नहीं आएगा, 2 जो है तीनों खेलेगा, 6 जो है सिर्फ क्रिकेट खेलेगा, इसलिए 6 और 2 कैंसिल आउट हो गया। अब पूछेगा हॉकी और क्रिकेट कौन से प्लेयर खेल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कौन सा, 3, 7 क्या कैंसिल हो गया, 7 सिर्फ हॉकी खेलेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आ गया। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसको एक थोड़ा सा, ये छोटा सा बेसिक एग्जाम्पल के थ्रू लिया, एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं उस पे थ्रू करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन एग्जाम्पल ग्रुप में लेते हैं, चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं और इसको सॉल्व भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ डायग्राम बना रखे हैं जैसे आपको देख के ही लग रहा होगा, और यहाँ पे कुछ डायग्राम, जैसे हमने एक सर्किल बनाया हुआ है, ठीक, एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है, एक स्क्वायर बनाया हुआ है और एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये किसी चीज़ को स्पेसिफिक डिनोट कर रहा है, जैसे ये सर्किल किसको डिनोट कर रहा है, हमारे पुअर बॉयज़ को, यानी गरीब बच्चों को, ठीक है। ये रेक्टेंगल जो है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये एजुकेटेड बॉयज़ को, ठीक। और ये ट्रायंगल जो है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये एम्प्लॉयड बॉयज़ को। और एक और देखते हैं, ये जो रेक्टेंगल है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये बॉयज़ इंगेज्ड इन बिजनेस, फैमिली बिजनेस में, मतलब जो लड़के अपने फैमिली बिजनेस में इंगेज्ड है, और ये गरीब बच्चे हैं, और ये पढ़े लिखे एजुकेटेड बॉयज़ है, और ये एम्प्लॉयड जो जॉब होल्डर है या कार्यरत है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब ऐसे डायग्राम में, और इसमें कुछ डिजिट भी दिए होंगे, इसमें देख रहे होंगे, इसको तो मैंने पहले एग्जांपल के थ्रू मैंने समझा दिया था डिजिट का कॉन्सेप्ट, कि कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे कैसे भरा रहता है, उसको तो हम क्वेश्चन में करेंगे और समझेंगे। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए यहाँ पर जैसे कुछ क्वेश्चन लिया मैंने, अब समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ऐसे कितने पुअर बॉयज़ हैं जो फैमिली बिजनेस चलाते हैं, ठीक है, ना तो वो एजुकेटेड हैं और ना ही वो एम्प्लॉयड हैं। अब इस तरह का क्वेश्चन कैसे करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाता है वैसे वैसे आइडेंटिफाई करते जाएंगे, और जैसे जैसे क्वेश्चन को आगे बढ़ते जाएंगे, जो जो उसके ग्रुप में आता जाएगा उसको लेते जाएंगे, और जो उसके ग्रुप में नहीं आएगा उसको हम छोड़ते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, ऐसे कितने पुअर बॉयज है, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है सीधे पुअर बॉयज पे आ जाते हैं, ये पुअर बॉयज के सर्कल है, ठीक। इसमें क्या है, कुछ नंबर दिए हैं जैसे 12, 5, 8, 2 और 3, ये नंबर हैं जो पुअर बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, यानी कि बात इन्हीं की सर्किल की बात करें, बाकी को हम छोड़ दिए, जैसे मैंने बोला जो नहीं आएगा उसको हम छोड़ते जाएंगे और आगे कंडीशन के हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जो फैमिली बिजनेस चलाते हैं, अब देखिए पुअर बॉयज तो ले रहा है बट जो फैमिली बिजनेस चलाते हैं, अब यहाँ पे भी एक कंडीशन अप्लाई रहेगा, जो फैमिली बिजनेस चलाते हैं बाकी को छोड़ देंगे, फैमिली बिजनेस का है यहाँ पे है, ठीक। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर रेक्टेंगल को, ठीक है। अब देखिए ये है नंबर इतने में, इसमें कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो रेक्टेंगल में आते हैं और सर्किल में आते हैं, यानी कि 12 छूट गया, 3 पकड़ लिया, 2 पकड़ लिया, 8 पकड़ लिया और 5 पकड़ लिया, ठीक। अभी यहां तक चल रहा है, देखिए 12 जैसे कंडीशन में आया 12 छूट गया, उसको हट गया, अब आंसर इसमें छुपा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, ना तो वो एजुकेटेड है और ना ही वो एम्प्लॉयड है, समझ रहे, एक क्वेश्चन में डिटेल में समझा रहा हूं, बाकी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, जो उसके ग्रुप से बाहर जाए उसको छोड़ते जाएंगे, जहां जहां ग्रुप को आगे बढ़ते जाएंगे उसको पकड़ते जाएंगे, लास्ट में एक डिजिट ऐसा आएगा जो उसका क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ना तो वो एजुकेटेड है ना तो ही एम्प्लॉयड। अब देखिए, अब ये 12 मेरे छट गया ऐसे ही, अब इसी में से कोई है, अब यहां पर हमको क्या देखना है, जो एजुकेटेड भी नहीं है, यानी एजुकेटेड का ग्रुप कौन सा, ये है, यानी इस ग्रुप के बच्चे नहीं आएंगे क्योंकि ऑलरेडी ये एजुकेटेड है, और ये कह रहा नहीं ना तो वो एजुकेटेड है, ये एजुकेटेड बच्चे नहीं चाहिए उनको, तो ये 3 और 2 कैंसिल आउट हो गया, अब बचा हमारा 5 और 8। करने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी आप डायरेक्टली देख के ही लग रहा होगा कौन सा आंसर होगा, और ना ही वो एम्प्लॉयड है। अब देखिए एम्प्लॉयड वाला ग्रुप कौन सा,
ट्रायंगल का। इसमें देखिए एम्प्लॉयड वाला ग्रुप है, ये 8 नंबर, 2 नंबर ये एम्प्लॉयड में आ रहा है इस सर्किल के हिसाब से, यहाँ 8 भी कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो। लास्ट में फाइनली बचा कौन सा, 5 ही ऐसा डिजिट है जो क्या कह रहा है, ऐसे कितने पोअर बॉयज हैं, यानी 5 बच्चे ऐसे हैं जो ना तो फैमिली बिजनेस चलाते हैं, नहीं सॉरी, जो फैमिली बिजनेस चलाते हैं, क्योंकि देखिए रेक्टेंगल में ये फैमिली बिजनेस चला रहा है, करेक्ट है, ना तो एजुकेटेड है, देखिए ये एजुकेटेड नहीं है, क्यों, क्योंकि एजुकेटेड का ग्रुप कौन सा, स्क्वायर वाला है, तो ये स्क्वायर से बाहर है, यानी एजुकेटेड भी नहीं है, और ना तो वो एम्प्लॉयड है, देखिए एम्प्लॉयड का ग्रुप कौन सा, ट्रायंगल, यानी 8 तक, यहीं तक है, ये इसके ग्रुप में भी नहीं आया, यानी कि यही, ये दैट इज करेक्ट आंसर। अब हम देखेंगे कौन सा आंसर इसमें सही है ऑप्शन के हिसाब से, जैसे ऑप्शन दिया रहेगा 2, 3, 5 एंड 7, तो आपको देख के समझ में आ गया आंसर कौन सा है, 5, तो आपको इसमें क्लियर समझ में आ गया होगा। सेम मैंने इसमें डिटेल में इसलिए बताया कि आपको कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे चलना है, ठीक है, और आप तो डायरेक्टली भी जितना जल्दी छाँट सकते हैं उतना जल्दी कर सकते हैं, ठीक। अब इसी तरह कुछ एक क्वेश्चन और लेते हैं, अब जैसे किया वैसे आगे आगे फॉलो करिए हमारे साथ और उसको आगे देखिए। जैसे ऐसे कितने बॉयज हैं, ठीक, जो ना तो एजुकेटेड है ना तो पुअर है, देखिए यहाँ ना तो एजुकेटेड है ना तो पुअर, इसका मतलब जो एजुकेटेड है और जो पुअर है उनसे कोई लेना देना है ही नहीं, सीधे साफ साफ कह रहा है, उनको हटा ही देंगे, बाकी डिजिट जो बचे हैं उसी का खेल है, उसी में से कोई ना कोई आंसर होगा, ठीक। लेकिन एंगेज्ड एम्प्लॉयड हैं और साथ में फैमिली बिजनेस करते हैं, देखिए क्या है, एम्प्लॉयड भी हैं और फैमिली बिजनेस करते हैं, अब ये तो कट गया, पुअर बॉयज चाहिए ना इनको, ना तो वो एजुकेटेड है ना ही पुअर बॉयज है, और ये एजुकेटेड वाला कट गया, अब हमारे इतने सारे ग्रुप के नंबर से हट गए, अब इसमें आगे बढ़ते हैं, लेकिन एम्प्लॉयड है, अब एम्प्लॉयड होना चाहिए, ये एम्प्लॉयड है, यानी इसमें से डिजिट में से नंबर है इन तीनों में से, 8, 2, 7 और 6, एजुकेटेड बॉय कट गया तो यानी कि 2 और 6 कट गया, पुअर बॉयज कट गया यानी कि 8 कट गया, देखने से लग गया इस यहीं तक के आंसर निकले, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, साथ में फैमिली बिजनेस भी है। अब देखिए 7 ऐसा डिजिट है, ये फैमिली वाले में आ रहा है जो फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली बिजनेस को, और 7 किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, और क्या कह रहा है, एम्प्लॉयड भी है, एम्प्लॉयड कौन सा ग्रुप है, रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है, बाकी ये देखिए सारे और फाइंड आउट करके उसको कैंसिल कर देते, आंसर कौन सा है, 7, ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट है, 7। आई थिंक मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे हैं, कोई तरह का भी क्वेश्चन है, किसी तरह का भी क्वेश्चन है, आप इजीली कर लेंगे उसको, आप ऐसे स्टेप को फॉलो करेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं, नंबर 3 किस ग्रुप को दर्शाता है, अब देखिए सीधे आ जाता है नंबर 3, कहीं और नंबर 3 नहीं है, सिर्फ एक जगह नंबर 3 है, ठीक है, यह है नंबर 3। अब बताइए ये किसके ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, अब ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ, पुअर बॉयज को, एजुकेटेड बॉयज को, एम्प्लॉयड बॉयज को, ग्रुप इंगेज्ड इन फैमिली बिजनेस को, या इन दोनों के बीच में, 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 या इन तीनों के बीच में, या चारों के बीच में, इस तरह के ऑप्शन दिए होंगे, आपको खाली फाइंड आउट करना है किस में आता है, वो ऑप्शन रहेगा उसको टिक करेंगे बढ़ जाएंगे, जैसे देखते हैं कैसे। अब देखिए 3 किसके किसी बीच में है, रेक्टेंगल है यानी कि इसके बीच में आ रहा है, कोई क्लियर डाउट नहीं है इसमें, सर्कल है इसके बीच में आ रहा है, क्लियर है, अभी 3 इन दोनों के बीच में चल रहा है, एजुकेटेड बॉयज है इसके अंदर भी आ रहा है, बट ध्यान से देखिए एम्प्लॉयड बॉयज के अंदर ये नहीं आ रहा है 3, इसका मतलब ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें आपको ऐसे ग्रुप बच्चों का ग्रुप हो जो कि पुअर बॉयज हो, एजुकेटेड बॉयज हो और बॉयज इंगेज इन फैमिली बिजनेस हो, वो ऑप्शन करेक्ट होगा, वही आंसर होगा इसका, समझ गए, आई थिंक मेरा मतलब समझ गया समझाने का तरीका। चलिए एक होमवर्क के लिए दे देते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा, ऐसे ही मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि डिजिट जो 8 है और डिजिट जो 2 है, ठीक है, ये किस किस ग्रुप पे आते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल बताइएगा, 8 लिख के उसके आगे आंसर लिखिएगा और 2 लिख के उसके आगे आंसर लिखिएगा, या कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखे छोड़िएगा, देखते हैं आपने इसको सही आंसर निकालते हैं निकालते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने क्या पढ़ा, वेन डायग्राम का टाइप 2 पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया उसको, और उसका क्वेश्चन भी हम लोग समझ गए, और टाइप 1 ऑलरेडी हमने पूरे अच्छी तरह से फिनिश कर चुके हैं, ठीक है, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख लीजिएगा, जो भी अगर बेसिक किसी बच्चों को बेसिक एकदम नहीं आता तो उसमें एकदम अच्छे से क्लियर किया हुआ उसको देखेंगे आप पूरा पूरा क्वेश्चन समझ जाएंगे। लास्ट में एक बात ये कहना चाहते हैं, अगर हमारा पढ़ाया हुआ मैटर आपको समझ में आ रहा है तो उसको इंकरेज करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इन्जॉय करिए और शिक्षित बनिए। थैंक यू।